नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा एक बार फिर से आपके साथ। आप एक एनजीओ बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या बनाऊं, ट्रस्ट बनाऊं, सोसाइटी बनाऊं या सेक्शन 8 कंपनी बनाऊं। तो आइए अगले 2 से 5 मिनट में हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। जब भी आप अपने जीवन में कोई एनजीओ बनाने की बात सोचते हैं तो आपके सामने 3 विकल्प होते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी। ट्रस्ट बनता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। हम इन तीनों ऑप्शंस का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। ट्रस्ट बनता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की ही जरूरत है। एक होता है जिसके मन में ये विचार आया, जिसे हम सेटलर कहते हैं, और एक जिस व्यक्ति को ये विश्वास दे देता है कि आप इस प्रॉपर्टी के लिए, आप इस प्रॉपर्टी की केयर कीजिएगा। तो एक हो गया सेटलर, एक हो गया ट्रस्टी। सेटलर खुद भी ट्रस्टी हो सकता है, ट्रस्टीज एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो ट्रस्ट बनाने के लिए आप अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जहां जमीन जायदाद खरीदने बेचने की रजिस्ट्री होती हैं। तो आप एक ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट कीजिए, ड्राफ्ट करवाइए और पेश हो जाइए सब रजिस्ट्रार के सामने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे किसी मकान दुकान को खरीदने की रजिस्ट्री करवाई जाती है, ऐसे ही ट्रस्ट रजिस्टर होता है। ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक इररिवोकेबल ट्रस्ट को ही मान्यता देता है। ट्रस्ट परपेचुअल होता है और ट्रस्ट बनाने में मैं समझता हूं सबसे कम आपका खर्च आएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, सोसाइटी। सोसाइटी बनाने के लिए आपको कम से कम 7 लोगों की जरूरत होती है। सोसाइटी बनाने के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज के पास जाएंगे। 7 लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी सोसाइटी के बायलॉज आप दीजिए तो आपकी सोसाइटी बन जाती है। और एक तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 8 की हम कंपनी बनाएंगे। जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऐसे ही आप अपने एनजीओ को भी एक लाइसेंस्ड कंपनी, सबसे पहले आप एक लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस टू ऑपरेट एज एन एनजीओ, एज ए नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी बनाकर आपको एनजीओ बनाना है, तो ये काम 100% ऑनलाइन होगा। सबसे पहले आपके डिजिटल सिग्नेचर्स लिए जाएंगे, आपके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से कंपनियां 100% ऑनलाइन बनती हैं। ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड होती है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, सोसाइटीज में आपके बायलॉज होते हैं, और सेक्शन 8 कंपनी में आपका जो इंटरनल या एक्सटर्नल संविधान होता है जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ट्रस्ट परपेचुअल होता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि अधिकांश राज्यों में अब सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन 5-5 सालों के लिए दिया जाता है, यानी कि आपको हर 5 साल के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास फिर से पेश होना है और अपनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को अगले 5 सालों के लिए फिर से रिन्यू करना है, जो कि मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। आप जिन लोगों के साथ आपने सोसाइटी बनाई है, सोसाइटी में क्योंकि 7 लोग हैं और 7 लोग अलग अलग दिशाओं से आते हैं, अलग अलग माइंडसेट से आते हैं, उनको एक साथ लेके चलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सोसाइटीज में आपको हर 5 साल के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जाना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करना पड़ेगा। जबकि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपने जो एनजीओ बनाया है ये परपेचुअल है, इसकी इट्स एटर्नल इन नेचर आई वुड से,
ये एटर्नल है, इसकी लाइफ परमानेंट है एकदम से। ट्रस्ट में ट्रस्ट का कार्यभार डे टू डे बेसिस पर ट्रस्टीज देखते हैं, सोसाइटीज में ऑफिस बीयरर्स होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। इन सेक्शन 8 कंपनीज यू हैव डायरेक्टर्स टू टेक केयर डे टू डे बिजनेस सोसाइटी। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज हमारे पास प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, लेकिन इस कार्यभार को डे टू डे बेसिस पर चलाने के लिए हम इसे दे देते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को। अगर एक ट्रस्ट बनाना है तो आपका सबसे कम खर्चा आना चाहिए, एक सोसाइटी बनानी है तो कंपैरेटिवली आपका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सबसे ज्यादा खर्च आता है आपका, अगर इन तीनों ऑप्शंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करें। अब हम बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स की। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया है ट्रस्ट, सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनीज में फर्क क्या है। अब हम एक सिमिलरिटी की बात करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रस्ट, सोसाइटीज और सेक्शन 8 कंपनी में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं करता। सो देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस एज लॉन्ग एज द इनकम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ए सोसाइटी, ट्रस्ट और अ सेक्शन 8 कंपनीज कंसर्न। आखिरी में जब आप एक ट्रस्ट बनाते हैं तो मुझे लगता है इसकी ट्रस्ट डीड पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी भी एनजीओ की जो सबसे बड़ी आत्मा होती है वो उसके ऑब्जेक्ट्स में है। तो जब आप एक ट्रस्ट की डीड लिख रहे हैं, अधिकांश तौर पे क्या होता है ट्रस्ट की डीड लिखने के लिए आप किसी जिला न्यायालय कचहरी के बाहर जाइए तो वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स राइटर आपको बाहर बैठे मिल जाते हैं जो आपके लिए ट्रस्ट डीड लिखते हैं। सो इट इज नॉट carefully drafted which finishing is required, it is always missing there. तो trust deed को लिखते समय आप इसे बहुत critically review करें, क्योंकि ये आपका constitution document बनने जा रहा है। trust deed में आप दुनिया भर के objects, इनफैक्ट आप कोई भी NGO बनाएं, आप अपने मूल लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटक सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा ये पहचानने की कोशिश करता है कि आपका मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है। बहुत बार हमने ये देखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 12A, सेक्शन 80G के रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देता है इस आधार पे भी कि ट्रस्ट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत ही वेग हैं, दुनिया भर के ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें डाल रखे हैं। तो जब भी आप कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनाएं, द मेन ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी हाईली स्पेसिफिक। पब्लिक एट लार्ज इस बात को बहुत जल्दी समझ सके कि आप किस फील्ड में हैं। आप 5000 प्रकार की एक्टिविटीज को हम ये भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और इनफैक्ट हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेन ऑब्जेक्ट्स को जब आप ड्राफ्ट करें उसे आप बहुत ही ध्यान से ड्राफ्ट करें। Take a help from a legal counsel or from a chartered accountant while you draft your trust deed. Make sure कि आपके trust deed में एक irrevocable का clause जरूर शामिल हो। इसी प्रकार से societies में bylaws का हम drafting करते हैं और इसी प्रकार से section 8 company में main objects की drafting भी उतनी जरूरी है। एक section 8 company में देखिए, ट्रस्ट आप बनाते हैं समाज की सेवा करने के लिए। एक सेक्शन 8 कंपनी को हम ध्यान से देखें, उसके मेमोरेंडम को, आपको एक सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप एक कंपनी के प्रमोटर हैं तो आप किसी प्रकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस कंपनी से आप किसी प्रकार का रेमुनरेशन, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, आप एक मेंबर होने के नाते, एक सेक्शन 8 कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते, एक सेक्शन 8 कंपनी आपको ये सब चीजें नहीं दे सकती। सो देयर इज एब्सोल्युटली, देयर इज अ स्पेसिफिक बार इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज कि आप अपने मेंबर्स को किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेमुनरेशन नहीं दे सकते एक्सेप्ट रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस रिइंबर्समेंट।
सो ये कुछ डिफरेंस हैं ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी में। अब इन तीनों को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ट्रस्ट सोसाइटीज का कोई स्पेसिफिक रेगुलेटर नहीं होता, कोई माई बाप नहीं होता। आप एक ट्रस्ट सोसाइटीज बना लीजिए, उसमें सालों साल आप पैन नंबर मत लीजिए, नो वन केयर्स। लेकिन जब आप एक सेक्शन 8 की कंपनी बनाते हैं तो आपको पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने लिया है तो, अगर आपने अप्लाई किया है तो, ESIC रजिस्ट्रेशन, PF रजिस्ट्रेशन नंबर तो जबरदस्ती आपको दिए जाते हैं। सो अगर आप एक ऐसा एनजीओ बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि उसका 100% कंट्रोल, मैनेजमेंट आपके हाथ में ही रहे, तो सेक्शन 8 कंपनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेक्शन 8 कंपनी, क्योंकि इसका हर साल ऑडिट होता है, इसका रेगुलेटर बड़ा टफ है, आप इसमें रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको लेट फाइलिंग फीस लगती है, ऑडिट इसका कंपलसरी है, इन सभी कारणों से सेक्शन 8 कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो सबसे बेहतर होती है और वहीं इसे यूनिक बनाती है बाकी दोनों ऑप्शन से। सो एज ए कंक्लूजन वी कैन फेयरली से दैट इन सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी इन माई पर्सनल व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो मैं समझता हूं इस वीडियो से आपको जरूर एक क्लैरिटी मिली होगी कि जो आप एनजीओ बनाने जा रहे हैं वो आप ट्रस्ट के तौर पे बनाना चाहते हैं, सोसाइटी के तौर पे बनाना चाहते हैं या सेक्शन 8 के तौर पे बनाना चाहते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझे लिखेंगे तो मुझे सचमुच में बहुत खुशी होगी। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली थ्रू नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।